तो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो एंड थ्रू द पॉइंट 2,2 इज। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो मिलती कहाँ पे है? तो लेट सपोज अगर अपन इसका डायग्राम सा बनाए तो ये हो जाएगा डायग्राम, मतलब ग्राफ हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो और ये है y इज इक्वल टू जीरो। तो ये मिल कर रही है 0,0 पर, और 2,2 किधर होती है? तो लेट सपोज ये हो गई 2,2, ठीक है। तो अपन को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो लेट ये हो गया अपना x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है, ओके। तो या तो आप ऐसे कर लो, या फिर अपन को पता है कि ये होगा 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो tan 45 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से m की वैल्यू अपनी आ जाएगी डायरेक्ट 1, ठीक है। तो m आ गया, अपने पास एक पॉइंट है 0,0, तो अपन सीधा y इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज आर रिक्वायर्ड आंसर।